मैंने एफ ऑफ एक्स है एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ खींचना, मैंने जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें एक्स जगह पर अगर मोड एक्स रहे तो उसका ग्राफ कैसे खींचते हैं देखिए, जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें एक्स जगह पर अगर मोड एक्स रहता है उसका ग्राफ कैसे खींचते हैं देखिए, पहले रूल जान लेते हैं इसके बाद ग्राफ खींचते हैं। तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ मोड एक्स का यदि ग्राफ खींचना है तो एफ ऑफ एक्स का जो पार्ट वाई एक्सिस के राइट साइड रहता है उसको रहने देते हैं और जैसा ग्राफ है वैसा ही रहने देते हैं, और जो पार्ट वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में रहता है उसको हटा देते हैं, और इसके बाद जो पार्ट वाई एक्सिस के राइट साइड में रहता है उसी का मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को वाई एक्सिस पर रख करके लेते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, देखिए फर्स्ट का ग्राफ इसका ग्राफ खींचने से पहले y इक्वल टू टू माइनस एस का ग्राफ खींच लेते हैं, और ये ग्राफ जब हो जाता है तब तो y इक्वल टू टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि इसी में जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ मॉड एक्स है। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए y की जगह पर अगर जीरो इसमें रखते हैं, इसमें y की जगह पर जीरो रखेंगे x का वैल्यू टू है, अब x की जगह पर जीरो रखते हैं तो x की जगह पर जीरो रखेंगे तो y का वैल्यू टू है, y जीरो x एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो x एक्सिस पर x इक्वल टू टू लेना, x एक्सिस पर इसी पॉइंट का x इक्वल टू मान लिया, x जीरो y एक्सिस का इक्वेशन होता है तो y एक्सिस पर y इक्वल टू टू लेना, कि y एक्सिस है इस पर y इक्वल टू टू लेना, मैंने y एक्सिस पर y इक्वल टू लेना तो इसी पॉइंट का y इक्वल टू मान लिया टू, अब ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना, कनेक्ट करके एक्सटेंड भी करना, तो यही ग्राफ जो है देख रहे हैं ये जैसे वाई इक्वल टू टू माइनस एक्स का ग्राफ, लेकिन खींचना इसका ग्राफ इस ग्राफ का जो पार्ट वाई एक्सिस के राइट साइड में रहता है उसको रहने देते हैं, तो वाई एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ का ही पार्ट ना तो इसको रहने देते हैं, जैसा ग्राफ है वैसा ही रहने देते हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में इसलिए इसको हटा देना, जो पार्ट वाई एक्सिस के राइट साइड में है उसी का मिरर इमेज लेना है, प्लेन मिरर को वाई एक्सिस पर रख करके लेना है, तो मिरर को अगर वाई एक्सिस पर रखेंगे और इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो इसका ऐसा दिखेंगे, इस पॉइंट का एक्सप्लेन टू है तो इसका एक्सप्लेन माइनस टू है, ये ग्राफ इसका ग्राफ खींचने से पहले y इक्वल टू log x बेस e का ग्राफ खींच लेते हैं, और ये ग्राफ जब हो जाता है तो y इक्वल टू log mod x बेस e का ग्राफ खींचते हैं, पहले इसका ग्राफ खींच लेते हैं,
y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई का ग्राफ ऐसा होता है, मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन है इसका बेस वन से बड़ा, और लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस वन से बड़ा रहने पर इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पर क्रॉस करता है उसका एक्सपोनेंट वन होता है, क्योंकि इसमें वाई की जगह पर जीरो रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू वन है। हाँ, इसी एक क्वेश्चन में जहाँ एक्स है उसके जगह पर मोड एक्स है, तो एक्स जहाँ पर मोड एक्स रहने पर इस ग्राफ का जो पार्ट y एक्सिस के राइट साइड में उसको रहने देते हैं, जैसा ग्राफ है वैसा ही रहने देते हैं। और y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो पार्ट रहता है उसको हटा देते हैं, तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में कोई पार्ट है ही नहीं, अगर रहता तो उसको हटा देते हैं। और जो पार्ट y एक्सिस के राइट साइड में रहता है उसी का मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को y एक्सिस पर रख करके लेते हैं, तो y एक्सिस पर मिरर रखेंगे ऐसे करके, इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे इसका ऐसा दिखाई देगा। ये जो है सो वन का मिरर इमेज है, वन का मिरर इमेज है, इसलिए माइनस वन है। ये अब इसका ग्राफ खींचते हैं, पहले इसका ग्राफ खींचते हैं वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर का खींच लेते हैं। आई जब हो जाता है तो वाई इक्वल टू टू इंटू मोड एक्स माइनस फोर का ग्राफ खींचता, स्ट्रेट लाइन है। इसका ग्राफ खींचने के लिए वाई की जगह पर जीरो रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू टू आएगा, एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे तो वाई का वैल्यू माइनस फोर है। y इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो एक्स एक्सिस पर एक्स को नेगेटिव लेना, हाँ एक्स जीरो वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो वाई एक्सिस पर वाई को नेगेटिव माइनस फोर लेना। इस पॉइंट का वाई को नेगेटिव माइनस फोर मान लिया, अब ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट करने के बाद एक्सटेंड भी करना, तो यही ग्राफ जैसे इस लाइन का होंगे वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर का होंगे। तो इसी एक क्वेश्चन में जहां एक्स है उसके जगह पर मोड एक्स, तो एक्स जगह पर मोड एक्स रहने पर ग्राफ का जो पार्ट y एक्सिस के राइट साइड में रहता है उसको रहने देते हैं, और जैसा ग्राफ है वैसा रहने देते हैं। ये जो पार्ट है y एक्सिस के लेफ्ट साइड में इसको हटा देते हैं, और जो पार्ट y एक्सिस के राइट साइड में आता है उसी का मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को y एक्सिस पर रख करके लेते हैं, तो यहाँ y एक्सिस पर मिरर को रखेंगे, y एक्सिस पर मिरर को ऐसे करके रखेंगे, और इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे इसका ऐसा दिखाई देगा। ये जो है ये पॉइंट जो देख रहे हैं इस पॉइंट का ही मिरर इमेज, तो जब इस पॉइंट का एक्सपोनेंट टू है तो इसका जो मिरर इमेज में जो पॉइंट है इसका एक्सपोनेंट माइनस टू, ठीक है। एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ मोड एक्स के मोड का ग्राफ खींचना। अब इसके लिए जो है सबसे पहले जो है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ खींचना, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ खींचना। एफ ऑफ एक्स ग्राफ से
एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ कितना है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले बता है एक्स जब अगर मोड एक्स रहता है तो उसका ग्राफ कितना बता दिया। ये ग्राफ जब हो जाता है तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स मोड का ग्राफ कितना। अब क्वेश्चन और स्पष्ट हो जाए। अब इसका ग्राफ खींचते हैं y इक्वल टू मोड एक्स माइनस थ्री के मोड का ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ खींचने से पहले y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का ग्राफ खींच लेते हैं। ये ग्राफ जब हो जाता है तब इसका खींचते हैं y इक्वल टू मोड एक्स माइनस थ्री। इसके बाद जो है इसका ग्राफ खींचने के लिए y की जगह पर जीरो इसमें रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू थ्री है। अब x की जगह पर जीरो रखिए तो y का वैल्यू माइनस थ्री है। y जीरो x एक्सिस का इक्वेशन होता है। x एक्सिस पर x को नहीं थ्री लेना। x इक्वल टू जीरो y एक्सिस का इक्वेशन होता है तो y एक्सिस पर y को एक माइनस थ्री लेना। अब ये दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लीजिए। अब प्लॉट करने के बाद दोनों तरफ एक्सटेंड कर दीजिए। इसका ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का ग्राफ हो गया। लेकिन इसमें जहां एक्स है उसके जगह पर मोड एक्स है और जिसका ग्राफ जानते हैं और उसमें एक्स जगह पर अगर मोड एक्स रहता है तो इस ग्राफ का जो पार्ट वाई एक्सिस के राइट साइड में उसको रहने देते हैं और जैसा ग्राफ है वैसा रहने देते हैं। जो पार्ट y एक्सिस के लेफ्ट साइड में रहता है उसको हटा देता है। ये पार्ट y एक्सिस के लेफ्ट साइड में इसलिए इसको हटा देना है और जो पार्ट y एक्सिस के राइट साइड में है उसी का मिरर इमेज लेना है प्लेन मिरर को y एक्सिस पर रख करके। अब प्लेन मिरर को y एक्सिस पर रखेंगे ऐसे करके और इस तरह से इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये जो पॉइंट देख रहे हैं इस पॉइंट का मिरर इमेज वाई एक्सिस के बोर्ड तो इस पॉइंट का जब एक्स कोऑर्डिनेट थ्री है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस थ्री। अभी इसका ग्राफ वाई इक्वल टू इसका हो गया मॉड एक्स माइनस थ्री। अभी इसका खींच रहे हैं इसका ग्राफ खींच लिए इसी ग्राफ से इसका ग्राफ खींच लिए हैं। यहाँ पर जो चीज़ है उसी का मोड और कोई भी फंक्शन का मोड का यदि ग्राफ खींचना है तो पहले ही बता चुके हैं जो पार्ट एक्स एक्सिस ऊपर आता है उसको रखने देते जैसा ग्राफ है वैसा रखने देते। ये पार्ट एक्स एक्सिस ऊपर है इसको रहने देते और जैसा ग्राफ है वैसा रहने। ये पार्ट भी एक्स एक्सिस के ऊपर है इसको भी रखना।
अब जैसा ग्राफ है वैसा ग्राफ है, ई पार्ट एक्स एक्सिस नीचे है, ई पार्ट भी एक्स से नीचे है, ई पार्ट भी एक्स से नीचे है, तो इसका मिरर इमेज लेंगे, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रखा के लेंगे, एक्स एक्सिस पर मिरर को रखेंगे, इस मिरर इसका इमेज देखेंगे, इसका ऐसा देखेंगे, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रखने पर इस मिरर इसका इमेज देखेंगे, इसका ऐसा दिखेगा। ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसी पॉइंट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के बोलते, तो इस पॉइंट का जब वाई कोऑर्डिनेट माइनस थ्री है इसका वाई कोऑर्डिनेट थ्री, तो यही जो देख रहे हैं इसका ग्राफ होगा, इसका इक्वेशन है, इस ग्राफ का इक्वेशन है वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री का, मैंने वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है मोड वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ खींचना, मैं जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें वाई की जगह पर अगर मोड वाई रहता है तो उसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, और पहले इसका रूल जान लेते हैं इसके बाद ग्राफ खींचते हैं। तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ का जो पार्ट एक्स एक्सिस ऊपर आता है उसको रहने देते हैं, और जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे रहता है उसको हटा देते हैं, और जो पार्ट एक्स एक्सिस ऊपर रहता है उसी का मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रख करके लेते हैं, मैं जिसका ग्राफ जानते हैं और उस पर वाई की जगह पर अगर मॉड वाई रहता है तो उस ग्राफ का जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है उसको रहने देते हैं, और जैसा ग्राफ रहता है वैसा ही रहने देते हैं, और जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे रहता है उसको हटा देते हैं, और जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है उसी का मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रख करके लेते हैं। अब एग्जांपल से थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, तो मॉड वाई इक्वल टू साइन एस का ग्राफ खींचना, तो मॉड वाई इक्वल टू साइन एस का ग्राफ खींचने से पहले वाई इक्वल टू साइन एस का ग्राफ खींच लेते हैं, अब जो है जब वाई इक्वल टू साइन एस का ग्राफ खींच लेते हैं इसके बाद इसका ग्राफ खींचते हैं, तो वाई इक्वल टू साइन एस का ग्राफ खींच रहे हैं, ये जो पार्ट है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसको रहने देते हैं, जैसा ग्राफ है वैसा रहने देते, ये पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे पाई और टू पाई के बीच, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है इसलिए पाई और टू पाई के बीच वाला जो पार्ट है इसको हटा देना, फिर ये पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए इसको रहने देते, पार्ट जो है माइनस पाई और जीरो के बीच में वाई इक्वल टू साइन एस का जो पार्ट है ये भी एक्स एक्सिस के नीचे है इसलिए इसको भी हटा देना, फिर ये पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसको रहने देना,
कि ई पार्ट एक्स एक्सिस नीचे, इसलिए इसको हटा देना। अब जो पार्ट एक्स एक्सिस ऊपर है उसी का मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रख करके लेते हैं। यहाँ इसका इमेज देखने के लिए मिरर को अगर ऐसे रखते हैं, इस मिरर में इसका इमेज देखते हैं, इसका ऐसा दिखेंगे। फिर यहाँ पर इसका मिरर इमेज देखने के लिए यहाँ मिरर ऐसे रखते हैं, इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो इसका ऐसा दिखेंगे। इसका इमेज देखने के लिए मिरर को एक्स पर रखेंगे, इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो ऐसा दिखेंगे। तो यही जो ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ हो गया, इसी का इक्वेशन है मोड वाई इक्वेशन। अरे तो इससे इसका ग्राफ खींचना चाह रहे हैं, पहले जो है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ खींच लेंगे। वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जब हो जाएगा तब वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मोड का ग्राफ खींच लेंगे। और जब ई हो जाता है तब जो है तब इसका ग्राफ खींचे। अब क्वेश्चन सॉल्व स्पष्ट हो जाएगा। देखिए इसका ग्राफ खींचते हैं मोड वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 का मोड का ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले जो है वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 का ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ जब हो जाता है तो वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 का मोड का ग्राफ। ई ग्राफ जब हो जाता है तब जो है तब इसका ग्राफ खींचते हैं। पहले ई ग्राफ देखें, अब लॉग एक्स बेस 10 इसका ग्राफ कैसा क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन इसका बेस 1 से बड़ा, और लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 1 से बड़ा होने पर ऐसा ही ग्राफ होता है। अब देखिए अब यहाँ पर जो चीज़ है उसी का मोड है, तो कोई फंक्शन का मोड का यदि ग्राफ खींचना है तो उसका जो पार्ट एक्स एक्सिस ऊपर आता है उसको रहने देते हैं। जैसा ग्राफ है वैसा रहने देते हैं। और जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे रहता है उसका मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रख करके लेते हैं। यहाँ जो है ये पार्ट एक्स एक्सिस नीचे है, इसका मिरर इमेज लेंगे, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रख करके, यहाँ एक्स पर मिरर रखेंगे, इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो ऐसा देखेंगे। अब इससे इसका ग्राफ खींचते हैं, इसमें जहाँ वाई है उसके जगह पर यहाँ मोड वाई, तो वाई के जगह पर मोड वाई रहने पर ग्राफ का जो पार्ट एक्स एक्सिस ऊपर रहता है उसको रहने देते हैं, और जैसा ग्राफ रहता वैसा ही रहने देते हैं। एक्स एक्सिस के नीचे जो पार्ट रहता है उसको हटा देते, तो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ का कोई पार्ट है ही नहीं, अगर रहता तो उसको हटा देते। और जो पार्ट एक्स एक्सिस ऊपर आता है उसी का मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रख करके लेते हैं। एक्स एक्सिस पर मिरर रखेंगे,
इस मिरर इसका इमेज देखेंगे तो इसका ऐसा दिखाई देगा। यहाँ मिरर को ऐसे रखेंगे एक्स एक्सिस पर, इस मिरर इसका इमेज देखेंगे तो इसका ऐसा दिखेगा। तो यही जो ग्राफ देख रहे हैं इसी का एक क्वेश्चन है, मॉड वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू दी बेस 10 का मॉड। तो जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें x जगह पर मॉड x है और y की जगह पर भी मॉड y। तो जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें x जगह पर अगर मॉड x है और y की जगह पर मॉड y है तो उसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले जो है y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ खींच लेते हैं। y इक्वल टू f ऑफ x ग्राफ से y इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ खींच लेता है। ये ग्राफ जब हो जाता है तब जो है मोड y इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ खींच लेता है। इसमें जहाँ x है उसके जगह पर मोड x है और जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें x जगह पर अगर मोड x रहता है तो उसका ग्राफ खींचना अभी कुछ देर पहले बता दिए। अब इस ग्राफ से इसका ग्राफ खींचना है, इसमें जहाँ y है उसके जगह पर मोड y और y की जगह पर अगर मोड y रहता है तो उसका भी ग्राफ खींचना अभी कुछ देर पहले बता दिए। अब एक क्वेश्चन देखें ना उससे और स्पष्ट हो जाएगा। पहले y इक्वल टू 2 माइनस x का ग्राफ खींचते हैं। अब इस ग्राफ से y इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ खींचते हैं। और जब ये ग्राफ हो जाता है तब जो है मॉड वाई इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ खींचते हैं। पहले इसका ग्राफ खींचते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक्स का भी टर्म है वाई का भी टर्म है कोस्टेन टर्म है। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए इसमें वाई की जगह पर जीरो रख करके एक्स निकाल लेते हैं, तो वाई की जगह पर जीरो रखेंगे तो एक्स का वैल्यू 2 बन, एक्स जगह पर जीरो रख करके वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो वाई जीरो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो एक्स एक्सिस पर एक्स इक्वल टू 2 लेना। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर इसी पॉइंट का एक्सपोनेंट 2 है, एक्स जीरो वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो वाई एक्सिस पर वाई इक्वल टू 2 लेना, y एक्सिस पर y को 2 लेना, तो y एक्सिस पर y को 2 मानते इस पॉइंट का। अब ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, हो गया y इक्वल टू, और इस ग्राफ का इक्वेशन है y इक्वल टू 2 माइनस x। इसी एक क्वेश्चन में जहाँ x है उसके जगह पर मोड x है, तो x जगह पर मोड x रहने पर ग्राफ का जो पार्ट y एक्सिस के राइट साइड रहता है उसको रहने देते हैं और जैसा ग्राफ रहता है वैसा ही रहने देते हैं। ये ग्राफ जो है y एक्सिस के राइट साइड में, इसलिए इसको रहने दिए। ये पार्ट जो है y एक्सिस के लेफ्ट साइड में, और जो पार्ट y एक्सिस के लेफ्ट साइड में रहता है उसको हटा देते हैं। वाई एक्सिस के राइट साइड में जो पार्ट लिए हैं उसी का मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को वाई एक्सिस पर रख करके लेते हैं। तो वाई एक्सिस पर मिरर ऐसे रखेंगे, इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे इसका ऐसा दिखाई देगा। ई पॉइंट का एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा, क्योंकि ई पॉइंट जो है इस पॉइंट का मिरर इमेज है वाई एक्सिस के ऊपर, जब इसका एक्स स्क्वायर 2 है तो इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इस इक्वेशन में जहाँ y है उसके जगह पर मॉड y और y के जगह पर मॉड y रहने पर ग्राफ का जो पार्ट x एक्सिस के ऊपर रहता है उसको रहने देते हैं, और जैसा ग्राफ है वैसा ही रहने देते हैं। ये पार्ट x एक्सिस के ऊपर है तो इसको रहने देते हैं।
ये भी पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसको भी रहना। एक्स एक्सिस के ऊपर जो पार्ट रहा था उसको रहने देते हैं, और ये पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है इसलिए इसको हटा देते हैं। जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे रहता है उसको हटा देते हैं, ये भी पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है इसको भी हटा देते हैं। हर बार जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है उसी का मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रख करके लेते हैं। यहाँ मिरर रखेंगे एक्स एक्सिस पर, इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। एक्स एक्सिस पर मिरर को रखने पर इस पार्ट का मिरर इमेज देखेंगे तो ऐसा दिखेंगे। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मिरर इमेज है एक्स एक्सिस के अबाउट, इसलिए इस पॉइंट का जब वाई कोऑर्डिनेट 2 है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस 2 है। यही ग्राफ हो गया, इसी का इक्वेशन है मोड वाई इक्वल टू 2 माइनस मोड एक्स। इस ग्राफ का इक्वेशन है वाई इक्वल टू 2 माइनस। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मॉड y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का मॉड का ग्राफ खींचना है। इसके लिए जो है सबसे पहले जो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ खींच लेते हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ से y इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ खींच लेते हैं। ये ग्राफ जब हो जाता है तब y इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स का मोड का ग्राफ खींच लेते हैं। ये जब हो जाता है तब लास्ट में जो है मोड y इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स मोड का ग्राफ। अब एक क्वेश्चन देखें उससे स्पष्ट हो जाएगा। इसका ग्राफ खींचते हैं, इसका ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले जो है y इक्वल टू log x बेसिक का ग्राफ खींच लेते हैं। ये ग्राफ जब हो जाता है तो y इक्वल टू log mod x टू डी बेसिक का ग्राफ खींच लेते हैं। ये जब हो जाता है तो y इक्वल टू इसका ग्राफ, और ये जब हो जाता है तब लास्ट में इसका ग्राफ। इसी में जहां x है उसके जगह पर मोड x, तो x जगह पर मोड x रहने पर ग्राफ का जो पार्ट y एक्सिस के राइट साइड में उसको रहने देते हैं, और जैसा ग्राफ है वैसा ही रहने देते हैं। y एक्सिस के लेफ्ट साइड जो पार्ट रहता है उसको हटा देते हैं, तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड कोई पार्ट है ही नहीं,
अगर रहता तो उसको हटा देते। और जो पार्ट वाई एक्सिस के राइट साइड में है उसी का मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को वाई एक्सिस पर रख करके लेते हैं। तो प्लेन मिरर को वाई एक्सिस पर रखेंगे और इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे, इसका हिस्सा दिखेंगे। इसका ग्राफ हो गया, अब इससे इसका ग्राफ लेते हैं। यहाँ यहाँ पर जो चीज है उसी का मॉड है। कोई भी चीज का मॉड का यदि ग्राफ खींचना रहे तो उस ग्राफ का जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर आता है उसको रहने देते हैं और जैसा ग्राफ है वैसा ही रहने देते। ये पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर था इसलिए इसको रहने दे, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर है इसको भी रहने दे, और जैसा ग्राफ है वैसा ही रहने देते। ये पार्ट भी एक्स एक्सिस नीचे है, ये भी पार्ट एक्स एक्सिस नीचे है, इसलिए इसका मिरर इमेज लेंगे, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रख करके लेंगे। तो एक्स एक्सिस पर मिरर रखेंगे और इस मिरर इसका इमेज देखेंगे, इसका ऐसा दिखेंगे। इसका देखने के लिए मिरर को ऐसे रखें, ऐसे रखेंगे और इस मिरर इसका इमेज देखेंगे, इसका ऐसा दिखेंगे। इसका ये ग्राफ, अब इसमें जहाँ वाई है उसके जगह पर मोड वाई, तो वाई की जगह पर मोड वाई रहने पर ग्राफ का जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर आता है उसको रहने देते हैं और जैसा ग्राफ रहता वैसा ही रहने देते हैं। ये पार्ट एक्सिस ऊपर है इसलिए इसको रहने देते, ये पार्ट भी एक्सिस के ऊपर है इसलिए इसको भी रहने दे, ये पार्ट एक्सिस ऊपर है इसलिए इसको भी रहने दे। ये पार्ट एक्स ऊपर है इसलिए इसको भी रहने दे, जैसा ग्राफ है वैसा रहने दे। जो पार्ट एक्स नीचे रहता उसको हटा देते, तो एक्स एक्सिस के नीचे कोई पार्ट है ही नहीं रहता तो उसको हटा देते। और जो पार्ट एक्स एक्स ऊपर है उसी का मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को एक्स एक्सिस पर रख करके लेते हैं। यहाँ मिरर को एक्स पर रखेंगे और इस मिरर इसका इमेज देखेंगे, इसका ऐसा दिखेंगे। यहाँ मिरर को एक्स पर रखने पर इसका इमेज देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, एक्स पर मिरर रखने पर इसका इमेज देखेंगे तो इसका ऐसा दिखाई देगा। यहाँ एक्स एक्सिस पर मिरर रखेंगे और इस मिरर इसका इमेज देखेंगे तो यही जो देख रहे हैं ग्राफ, इसी ग्राफ का इक्वेशन है मोड वाई इक्वल टू log mod x to the base e का mod, यही है। जिसका ग्राफ जानते हैं उसमें x जगह पर अगर y रहे और y की जगह पर अगर x रहे तो इस ग्राफ का मिरर इमेज लेते हैं, प्लेन मिरर को y इक्वल टू x लाइन पर रख करके लेते हैं।
क्वेश्चन से स्पष्ट हो जाएगा। एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई का ग्राफ खींचना, इसके लिए जो है पहले जो है वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ खींच लेते हैं। ये ग्राफ जब हो जाता है तब एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई का ग्राफ खींचते हैं। तो पावर फंक्शन में इसका ग्राफ बताया हुआ, इसका ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन इसी में जहां x है उसके जगह पर y है और जहां y है उसके जगह पर x है, तो इसी ग्राफ का मिरर इमेज अगर लेंगे, प्लेन मिरर को y इक्वल टू एक्स लाइन पर रख करके लेंगे तब इसका ग्राफ हो जाएगा। इसके लिए जो है पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींच लेते हैं। मानते हैं लाइन जो है y इक्वल टू एक्स। अब इसी ग्राफ का मिरर इमेज लेंगे, प्लेन मिरर को y इक्वल टू एक्स लाइन पर रख करके, तो यहां पर जो है ऐसे अगर रखेंगे तो इसका इमेज नहीं दिखाई देगा। ऐसे अगर रखेंगे y इक्वल टू एक्स लाइन पर मिरर को अगर ऐसे रखेंगे इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो इसका ऐसा देखेंगे। अब फिर इसका इमेज देखने के लिए, इसका इमेज देखने के लिए मिरर को जो है ऐसे रखना पड़ेगा। ऐसे रखेंगे इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो इसका ऐसा देखेंगे। ये जो देख रहे हैं, ये जो डॉटेड वाला ग्राफ देख रहे हैं, ये जो डॉटेड वाला ग्राफ देख रहे हैं, इसी का इक्वेशन है x इक्वल टू अंडर रूट। हम x इक्वल टू y2 का ग्राफ खींचते हैं, इसके लिए जो है पहले y इक्वल टू x2 का ग्राफ खींच लेते हैं। ये ग्राफ जब हो जाता है तब x इक्वल टू वाई टू का ग्राफ खींचते हैं। तो इसमें जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ y, इसमें जहाँ y है उसके जगह पर x, तो जिसका ग्राफ जानते हैं उसके इक्वेशन में x जगह पर y रहे और y की जगह पर अगर x रहे, तो इस ग्राफ का अगर मिरर इमेज लेते हैं प्लेन मिरर को y इक्वल टू x लाइन पर रख करके तब इसका ग्राफ हो जाएगा। तो इसका ग्राफ पावर फंक्शन में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बताए। ये ग्राफ खींच दिए। अब जो है y इक्वल टू एक्स का भी ग्राफ खींच लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पहले ही बताए थे। ये y पर एक्स। अब जो है इस ग्राफ का मिरर इमेज लेना है इसी लाइन, इसी y इक्वल टू एक्स लाइन पर मिरर को रख करके लेना है। अब इसका मतलब मिरर रखना इसी लाइन पर, लेकिन इमेज इसका लेना,
ऐसे का रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे मिरर को रखेंगे, तब इसका इमेज दिखा देगा मिरर में, इसका ऐसा दिखा देगा। अब फिर इसका इमेज देखने के लिए, इस पार्ट का मिरर इमेज देखने के लिए मिरर को ऐसे रखेंगे तब इमेज नहीं दिखाई देगा, ऐसे रखना पड़ेगा। ऐसे रखेंगे इस मिरर, इसका इमेज देखेंगे तो इसका ऐसा दिखेगा। इसका इमेज हो गया, इसका इमेज ही हो गया। अब जो है इसका इमेज देखने के लिए मिरर को y इक्वल टू एक्स लाइन पर रख रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स लाइन पर रखेंगे इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे इसका, तो इसका ऐसा दिखाई दे रहा। अब जो है इसका इमेज देखना, लेकिन मिरर को रखना है वाई इक्वल टू एक्स लाइन, तो ऐसे रखेंगे तो इसका इमेज नहीं दिखाई देगा, इसलिए मिरर को ऐसे करके रखेंगे। तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन पर रखेंगे और इस मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो इसका ऐसा दिखाई देगा। यही जो देख रहे हैं इसी का एक क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू वाई।